this stuff. तो देखिए कितना ये जो पूरा जो है ना फ्रेश है, कितना गंदगी निकला। और ये बाल की रगड़ रगड़ा, बाल ठंडा पड़ गया, उसको रगड़ रगड़ के गर्म किया जा रहा है। हमारा हमारा मंगलसूत्र कहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? मंगलसूत्र बोलती है तो इसलिए उधर चले जाता है। हाँ मंगलसूत्र आप बोलती है, मंगलसूत्र क्या क्या है? मंगलसूत्र बोली तू। और ये किसको क्या बोलते? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। हाँ तुमको मालूम नहीं था? नहीं था, वैसे ही हम लगा रखे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माला की दुनिया यूट्यूब चैनल में। और अभी हो चुका है सुबह, हम लोग हैं अभी गांव में। जैसा कि आपने से पहले वीडियो देखा था, माला ने बनाई थी कि हम लोग का गांव जाने की तैयारी हो चुकी है और सारा कुछ वहां पे पैकिंग हो चुका है। तो जहां पे हम लोग आज सोए हुए हैं वहां पे अभी माला उठा रही है बिस्तर। तो बिस्तर उठाने के बाद फिर आगे का जो भी इनका रूटीन होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आज से जो है ना आपको हमारे गांव का नया नया वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज गाइज वीडियो के लास्ट समय तक बने रहिएगा। कम उठा लो फटाफट बिस्तर और चलो, फिर नहाना धोना भी होगा। तो ये देखिए गाइज हमारे गांव का कुछ ऐसा नजारा है जहां पे हम लोग सोते हैं। और बिस्तर जो भी हम महाराष्ट्र से लेके आए थे वही बिस्तर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और वो है मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि महाराष्ट्र में तो कभी हम लोग मच्छरदानी नहीं लगाए, लेकिन गांव में इतना मच्छर का प्रकोप रहता है ना, तो मच्छरदानी लगाना ही पड़ता है। अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो रात भर सोने को नहीं मिलेगा। जितना भी बॉडी में खून है ना, पूरा का पूरा सारा खून मच्छर पी के, मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी हम लोगों को लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का काम हो गया है, तो बर्तन सब जो है ना सुबह में ही मैंने वॉश कर लिया है। अभी जो है मैं नहाऊंगी, तो हेयर वॉशिंग भी करना है, तो चलिए आप सबके साथ वो भी चीज शेयर करते हैं। और रात में यहाँ पे देख पा रहे हैं लेके आई थी गरम गरम दूध, दूध गला में खराश था और वजह से पानी जो रात को हम लोग पीते हैं ना, तो वो लेके आए थे, तो इसको भी लेके जाना है। तो चलिए सीधा मिलते हैं अब हम लोग नल पे जहाँ पे माला करेगी हेयर वॉश। हाँ तो गाइज आ चुके हैं हम लोग नल के पास और ये रही हमारी नल। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको दिखा दूं कि ये हमारा कल है जिसमें से पानी निकलता है। वो हैंडल दिख रहा है क्या? हैंडल को दबाने के बाद और जो भी हम लोग नहाने धोने का काम करते हैं तो यहीं पे करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट समय तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको कैसी लगती है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वो देखिए कैसे पानी निकलता है नल से। हमारे गांव में पानी की दिक्कत नहीं रहती दोस्तों, इतना पानी मिलता है कि आप पानी पड़ते पड़ते थक जाएगा, बट पानी खत्म नहीं होता है। हाँ। और महाराष्ट्र में तो आप देखे थे हमेशा पानी का ही प्रॉब्लम, हमेशा पानी का ही प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हम जो है रात में तो हेयर वॉश नहीं किए थे और ट्रेन में मेरा बाल का कुछ इस तरह से नतीजा हो गया है। अब जो है ना हेयर वॉशिंग करती हूँ, बहुत इसमें जो है ना ये हो गया है, पोजरी पोटरी लग गया है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बाल धोने के लिए बैठी तो मम्मी सुबह में ही बोली थी कि आज जो है ना टॉयलेट साफ करना, तो मैं जा रही हूँ पहले टॉयलेट साफ करने, फिर आके हेयर वॉशिंग करूंगी और स्नान करूंगी। चलिए आइए। तो ये है हमारा गांव का टॉयलेट फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से है। तो मैं इसको साफ करती हूँ।
तो देखिए कितना ये जो पूरा जो है ना फ्रेंड्स, कितना गंदगी निकला। और नहा लेती ना तो फिर से साफ करने को मन नहीं होता, इसके वजह से मैं पहली सोची कि नहाने से पहले ये सब कर लेती हूँ साफ। एक बार फ्रेश हो जाऊंगी तो फिर बाथरूम में आने को मन होता है क्या किसको भी। तो फ्रेंड्स माला धो रही थी टॉयलेट, तो यहाँ पे हो गई है पानी की कमी, तो मुझे ऑर्डर दे दिया है कि आप पानी लेके आइए। तो चलिए मैं पानी लेके आ जाता हूँ और उसके बाद फिर माला तो आपको बोली कि हेयर वॉश करेंगे तो उसका भी आपके साथ शेयर करूँगा। मिनट भी नहीं लगा, देखिए एक मिनट के अंदर एक बकेट पानी भर के रेडी हो गया। लो जी और हराने तो हो जाएगा। टॉयलेट का कुछ हाल, लेकिन हाल खराब नहीं है, हाल अच्छा ही है। चलो नहा लो फटाफट तुम भी, फिर मैं भी नहाऊंगा। पानी भी रखना पड़ेगा वहां पे भर के। ठंडा के मारे फ्रेंड्स मैं ऐसा ही शैम्पू यूज कर लिया, क्योंकि बहुत ठंड लगने लगा है मुझे, तभी से मैं पानी के साथ ही खिलवाड़ कर रही हूँ।
चलिए मिलती हूँ सावर लेके। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम आ गए हैं छत पे और यहाँ पे मैं हेयर को हो रही है बाल की रगड़म रगड़ा बाल ठंडा पड़ गया उसको रगड़ रगड़ गर्म किया जा रहा है पानी इस तरह से सावर से उसको क्या बोलते हैं हेयर ड्राई हेयर ड्राई तावल से ड्राई करते हमको हेयर ड्राई का मालूम भी नहीं था हम तो इतना जाते थे कि केस पोछे ले कहीं से ये ऐसे करते रहते परेशान तो वीडियो को जो है ना फ्रेंड्स अब जो है ना यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि अभी जो है मेरा पूजा पाठ है पूजा पाठ करने के बाद मैं चाय बना के पीऊंगी बहुत ऐसा ठंडा लग गया है ना अभी तक धूप नहीं निकला है दोस्तों देखिए 9:30 बज गया है बिहार में और अभी तक धूप का कहीं अता पता नहीं है ऐसा मुसीबत हो गया है यहाँ का मौसम तो तावल जो है लपेट लिए है देखिए हो गया हमारा हमारा मंगलसूत्र कहाँ कहाँ जा रहे जी मंगलसूत्र बोलती है तो इसलिए उधर चले जाता है हम मंगलसूत्र आप बोलती है मंगलसूत्र क्या क्या है मंगलसूत्र बोली तू और ये किसको क्या बोलते मंगलसूत्र मंगलसूत्र तुमको मालूम नहीं था नहीं था वैसे ही हम लगा रखे तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पेंट करने का दीजिए इजाजत और ये देखिए मंगलसूत्र वाली इसको अभी तक मंगलसूत्र भी मंगलसूत्र को मंगलसूत्र बोल रही थी और हवा काफी ठंड चल रही मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए तो आज का इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में इसी तरह से अपना डेली का रूटीन लेकर के माला की दुनिया में तो बाय बाय गाइस आंख वगैरह देखिए रात में बहुत सो गए ना तो आंख देखिए कैसे फूक गया बंद करो बंद करो